हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ चुका हूँ। आप लोगों का डिमांड थी प्रदीप ऑटो पे जाओ, जो कि रहने वाले चांदा पे। प्रॉपर लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नंबर के साथ। कोई दिक्कत होता तो कॉल करके आप लोग आ सकते हो। तो आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आज आप लोग काफ़ी डिमांड आ रही थी माइलेज बाइक आप लोग दिखाओ। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें तो मैंने सारा स्पोर्ट्स बाइक, KTM, ड्यूक सब कुछ दिखा दिया था। तो इसमें सिर्फ मैं कोशिश करूँ ज़्यादातर माइलेज बाइक को कवर करने के लिए, मतलब जिसकी माइलेज थोड़ी अच्छी रहेगी, जैसे होंडा ये सब कंपनी का। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो कंटिन्यू। मिलते हैं पहले परिदा से पे। तो कैसे हो आप? तो आज खाली माइलेज बाइक कवर करते हैं जैसे कि मैंने बोला था। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वो सब जो स्कूटी था वो सब मैंने पहले कवर कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं मेरे पहले वाले वीडियो में है। और हम लोग शुरू करते हैं ये स्कूटी से। इसकी क्वालिटी सर बताएगा? ये आपका हीरो डुएट है, इसका भी 28,000 तक आ जाएगा। 2016 का मॉडल है, 28,000 तक आ जाएगा। इसके बाद ये कौन सा हीरो होंडा हंक? ये हंक है, ये भी आपका 16,000 तक आ जाएगा। 10 का मॉडल है, ये भी पंचिंग नंबर किया हुआ, ये सब मतलब ओके है, फ्रेश है। और कुछ भी अगर कमी होगा तो हम यहाँ करके भी दे देंगे आपको, कोई भी कोई। हाँ, जो भी बैटरी उठी नहीं है, बैटरी नया लगा के देंगे, गारंटी पेड बैटरी देंगे, फिर गाड़ी देंगे, क्योंकि थोड़ा कंडीशन ये सब में थोड़ा बहुत ये है। सब कुछ गाड़ी डिलीवरी होने से पहले सब कुछ गाड़ी का ओके करके दे देंगे, जो जो बोलेंगे कस्टमर का, जो ये है रिक्वायरमेंट रहेगा वो कर देंगे हम। सही बात है। इसके बाद आते हैं हम लोग फिर से स्कूटी पे। फिर स्कूटी ये आपका, ये भी एक्टिवा है, ये भी 2014 का मॉडल है, ये भी आपका 22,000 तक आ जाएगा। 2014 का मॉडल है, जो 2014 के मॉडल एक्टिव आप लोग देख सकते हो, जो कि 22,000 तक आ जाएगा। काफ़ी कम में ही आ रही है, टायर कंडीशन आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन आने वाली है। इसके बाद फिर से आता है होंडा साइन, काफ़ी माइलेज वाली बाइक है ये भी। हाँ, ये भी आपका होंडा साइन 2016 का मॉडल है, ये भी आपका CB साइन है, इसका भी आपका 38 तक आ जाएगा। 2016 का CB साइन 38 तक आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन ये भी रहने वाली है, टायर कंडीशन आप देख ही सकते हो। 2017 का मॉडल है, 2016 की नहीं, 2017 की मॉडल है, काफ़ी अच्छी कंडीशन रहने वाली है। इसके बाद आता हम लोग पैशन प्रो, ये कौन सा है? ये पैशन 2010 का है, ये भी आपका 28 तक आ जाएगा। बस गाड़ी का फुल कंडीशन अच्छा है, टायर बॉडी वोडी सब सेल्फ चालू है, सब करके दे देंगे। कुछ भी होगा, सेल्फ चालू नहीं होगा, सेल्फ करके देंगे, सब कुछ करके आपको 28 तक दे देंगे। तो ये 2010 का गाड़ी कितना में आ जाएगा बोले? 28,000 तक आ जाएगा। गाड़ी का सिर्फ सेल्फ चालू नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो सेल्फ चालू करके आप लोग को मिलेगा यहाँ से, ऐसा नहीं कि सेल्फ चालू नहीं तो, मतलब जो जो गाड़ी का प्रॉब्लम रहेगा, सर्विस वर्विस सब कुछ करके आप लोग यहाँ से मिल जाएगा। ये विक्रांत है 125। इसके बाद आते हैं विक्रांत 125। हाँ, एकदम अच्छा कंडीशन है, कोई भी काम नहीं है इसमें, सेल्फ चालू है, सब कुछ ओके है। ये भी गाड़ी आपका 28 तक आ जाएगा। 28 तक? कितना मॉडल गाड़ी है ये? 2016 का मॉडल है, कुछ भी कम नहीं है, टायर बॉडी उडी सब फ्रेश है, एकदम न्यू कंडीशन है, एकदम न्यू कंडीशन गाड़ी है। आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिलने वाली है। 2000 कितना का मॉडल था? 2016 का मॉडल था। 28,000 में आ रही है, जो कि ये भी नंबर पंचिंग के साथ मिलने वाली है आप लोग को। इसके बाद आते हैं हम लोग, की कौन सा? CB साइन। ये CB साइन है, 2015 का मॉडल है CB साइन, इसका भी 32 तक आ जाएगा। 15 का CB साइन, 32 तक आ जाएगा, 15 का CB साइन, काफ़ी माइलेज अच्छी रहने रहती है। काम रहेगा हम यहाँ करके दे देंगे, ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं, थोड़ा बहुत काम रहता है। वो जो शोरूम के जो ऑनर है प्रदीप दा, मेरा बैटरी उटी सब गारंटी पीड बैटरी भी लगाएंगे। मैकेनिक भी आपका खुद का है? हाँ, मेरा मैकेनिक खुद का है, जो भी पैसा खर्चा होगा गाड़ी में, कुछ भी काम होगा फर्स्ट में कम करके हम दे देंगे आपको। मतलब जो खर्चा होगा वो आप लोग से नहीं, प्रदीप दा खुद इसका कॉस्ट पे करेंगे। हाँ, कॉस्ट ठीक है इसके लिए, मतलब काफी अच्छी बात। इसके बाद हम लोग हीरो ग्लैमर पे। हाँ, ये हीरो नहीं, अच्छी बात है। सॉरी, अच्छी बात। हाँ, 2017 का मॉडल है, ये भी एकदम फुल कंडीशन है, इसमें भी 100 भी खर्चा नहीं करना होगा, एक जरा से भी खर्चा नहीं है। बॉडी वुडी एकदम फ्रेश है, DQ सब लगा हुआ। ये भी गाड़ी आपका 36 तक आ जाएगा। गाड़ी में पदिदा कहना है, गाड़ी में 100 रुपया का भी खर्चा नहीं है, 36,000 में आ जाएगा। गाड़ी का नंबर लोग देख सकते हो, गाड़ी कौन सी मॉडल? 2017 का मॉडल गाड़ी है, 2017 का गाड़ी है, फुल कंडीशन में गाड़ी है, डिक्की विक्की सबके साथ आ रही है गाड़ी, एकदम अच्छा। हाँ, टायर भी मैं आप लोग को दिखाया था, टायर क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन रहने वाली है। पदिदा का 36 तक आ जाएगा, इसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं है।
इसके बाद आते हैं एवेंजर 160 है, 2016 का मॉडल है, ये भी 32 तक आ जाएगा, ये भी आपका फुल कंडीशन है, ये भी कुछ भी होगा तो हम करके देंगे, यहाँ जो भी कस्टमर का ये होगा रिक्वायरमेंट होगा वो हम करके देंगे। सो फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि पहले तो बोल रहे कुछ भी काम करके दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारा गाड़ी में कुछ ना कुछ काम है, ज़्यादातर गाड़ी में काम रहता ही नहीं है, ज़्यादातर गाड़ी में काम रहता ही नहीं है, फिर भी बोलना पड़ता है। जो खर्चा होगा हम करके देंगे, अगर 2000 खर्चा होगा कस्टमर को बता देंगे कि 500 देने होगा आपको, जो भी है यहाँ फाइनल करके आपको देंगे। हाँ, लेकिन ज़्यादातर गाड़ी में मतलब काम रहता नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत काम कुछ कोई गाड़ी में रहता तो पहले तो करके दे देंगे। इसके बाद हाँ, ये स्पेंडर प्लस है, 2008 का है, ये भी स्पेंडर अच्छा है, ये एलो व्हील लगा हुआ है, एलो व्हील का गाड़ी है, 2008 का, ये आपको 22500 तक आ जाएगा, 22500 तक आ जाएगा, एलो व्हील लगा हुआ, आप लोग देख सकते हो, कंपनी फिटेड है और स्प्लेंडर रहने वाली है, हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस है। और ये एवेंजर क्रूक्स है, 2017 का मॉडल है, BS4 मॉडल है, ये भी कंडीशन वो अच्छा 220 है ना? हाँ 220 है, 220 cc है एवेंजर क्रूक्स, ये भी आपका 32 तक आ जाएगा। मॉडल 2017 का BS4 की VS4 एवेंजर क्रूज 32 तक आ जाएगा, जो कि 32,000 में आ रहे, लोग देख सकते हो, इसकी भी टायर कंडीशन लोग देख सकते हो, लुकिंग ग्लास बोलेगा तो हम लगा देंगे, कुछ छोटा मोटा काम होगा तो हम करके, छोटा मोटा जो प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ से ठीक करके आप लोग मिल जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले तो बार बार बोल ही रहे हैं। और एक विक्रांत है, देखिए वो भी 16 का मॉडल था, ये भी 16 का मॉडल है, उनका दाम बोले 28, इसका 21 में आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा है, ये सीट को फटा हुआ, लुकिंग ग्लास नहीं है, और थोड़ा बहुत ही सलेंसर फटा हुआ, इसका 20-21 तक आ जाएगा, थोड़ा 2000-3000 खर्चा करने हो गए तभी तक आ जाएगा, 20,000 तक आ जाएगा, 16 का मॉडल, 16 का मॉडल, एक विक्रांत दिखाए हुआ 28,000 में, ये 20 तक आ जाएगा, लेकिन 16 का मॉडल है दोनों, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा इसलिए, मतलब ये मॉडल ज़्यादा दिन का नहीं है, 2016 का मॉडल है, फिर भी 20,000 तक आ जा रही है, क्योंकि गाड़ी में मतलब थोड़ा बहुत काम है, गाड़ी में थोड़ा बहुत खर्चा है, वो आप लोग देख सकते हो गाड़ी में, इसलिए इतना कम प्राइस में गाड़ी आ रही है, और कोई रीज़न नहीं है। इसके बाद फिर से आते स्प्लेंडर स्प्लेंडर है, ये भी स्प्लेंडर प्लस 2007 का गाड़ी है, ये आपका 13,000 तक आ जाएगा, 13,000 2007 का गाड़ी है, मात्र 13,000 में आ जाएगा, स्प्लेंडर प्लस रहने वाली, ब्लू कलर में आप देख सकते हो, ये 100cc डिस्कवर है, 100cc डिस्कवर है, 100M डिस्कवर है, ये 2015 का मॉडल है, ये भी एकदम फुल कंडीशन है, ये इसका भी 17,000 तक आ जाएगा। कितने की गाड़ी है? 2015 का गाड़ी है, 100M डिस्कवर, ये भी 17,000 तक आ जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है, डिस्कवर मिलने वाली है, कितने तक बोले? 17,000 में आ जाएगा, 100cc का डिस्कवर आपको मिलने वाला, आप लोग देख सकते हो गाड़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सो फ्रेंड्स अभी एक स्कूटी आई है मेरे रहते रहते यहाँ पे, मैं आप लोग को वो एक बार दिखा देता हूँ, अभी जस्ट स्कूटी आई है 5 मिनट पहले ही, इसके डिटेल्स क्या रहेगी? ये 2020 का गाड़ी है, BS6 2021 की गाड़ी है, 21 का नहीं 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 21 का नहीं 20 का होगा, यू भी 2020 का लास्ट का गाड़ी है, 2020 का लास्ट का गाड़ी है, ये भी आपका 4,000 किलोमीटर चला हुआ मात्र, ये हुंडा ग्राजिया है, BS6 मॉडल है, LED लाइट है, LED आपका मीटर, हाँ सबसे अच्छा गाड़ी है, गाड़ी का फुल डिमांड गाड़ी है, ये भी आपका 58 तक आ जाएगा। 2020 की टॉप मॉडल VS6 स्कूटी रहने वाली है, जो कि हीरो की ग्राजिया है, आप लोग देख सकते हो, सॉरी होंडा की ग्राजिया है, और कितने तक आ जाएगी? ये 58 तक आ जाएगी, 58 तक आ जाएगी, और कितने इसकी किलोमीटर चली होगी? ये 4,000-5,000 किलोमीटर चला हुआ है, तो 4,000-5,000 किलोमीटर मात्र चला, आप लोग देख सकते हो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहने वाली है। तो बाहर का बाइक मैंने दिखा दिया, अब अंदर का जो बाइक था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अब हम लोग साथ आ चुके सानुदा, सानुदा ये कौन सा मॉडल क्या रहने वाली है? ये 2019 की स्प्लेंडर प्लस है, हाँ मिंट कंडीशन में गाड़ी है, इसकी प्राइस पड़ेगी 50,000। इसके बाद ये कौन सा सानुदा? ये भी 2019 की सीरीज डीलक्स है, इसकी भी प्राइस पड़ेगी 50,000 रुपये। 2019 की सीरीज डीलक्स है, प्राइस आ जाएगी 50,000 रुपये, आप लोग देख सकते हो गाड़ी में, अच्छे से आप लोग दिखा देता हूँ। इसके बाद ये कौन सा? ये 8 महीने की SP125 है, ये BS6 मॉडल है, 5 साल की इंश्योरेंस के साथ है, ये भी गाड़ी मिंट कंडीशन में है, इसकी प्राइस पड़ेगी 87,000 में, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन गाड़ी मिलने वाली है। इसके बाद फिर से आते हैं, ये भी SP9 है, ये 2020 की लास्ट की गाड़ी है, ये ड्रम मॉडल है, इसमें भी 5 साल की इंश्योरेंस दी हुई है, इसका प्राइस पड़ेगी 85,000। तो भाई मैं एक बात बोलना चाहूँगा, SP9 ज़्यादा दिन तक शोरूम में रहता नहीं है, 2-3 दिन में निकल जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है माइलेज की वजह से, और इसकी लुक भी काफ़ी सही रहती है और माइलेज भी काफ़ी सही है, तो आराम से ये गाड़ी निकल जाती है, तो आप लोग बुक करना चाहते आराम से बुक कर सकते हो जल्दी। इसके बाद ये कौन सा? ये 2021 की है, पैशन प्रो है, BS6 में, हाँ जिसमें भी 5 साल की इंश्योरेंस दी हुई है, गाड़ी मिंट कंडीशन में है, फुल फ्रेश गाड़ी है, इसकी प्राइस पड़ेगी 67,000। इसके बाद ये कौन सा? ये ग्लैमर BS6, ये 20 की मॉडल है, ये गाड़ी भी ठीक कंडीशन में है, कम चली हुई गाड़ी है, इसकी प्राइस पड़ेगी 65,000।
इसके बाद फिर से आते हैं ग्लैमर पे जो कि बिल्कुल न्यू लग रही है। ये 2021 की ग्लैमर है BS6 में, इसकी प्राइस पड़ेगी 70,000 रुपये। ये गाड़ी भी मिंट कंडीशन में गाड़ी है। मिंट कंडीशन में ऑब्वियसली हो गई क्योंकि 2021 की गाड़ी है, तो ज़्यादा दिन की गाड़ी नहीं है, ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं चली होगी। आप लोग देख सकते हो तो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहने वाली है। इसके बाद फिर से आते हैं ये ग्लैमर जो कि कलर पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये 2020 की ग्लैमर है, 20 की जनवरी फरवरी की गाड़ी होगी। ये BS4 में है ये ग्लैमर, इसकी प्राइस पड़ेगी 53,000 में। जनवरी की ग्लैमर कौन, कितनी आस्किंग प्राइस कितनी होगी इसकी? 53,000। इसके बाद फिर से कौन सा है? ये 2018 की है, डिलक्स, सी डिलक्स BS4 मॉडल है ये, इसकी प्राइस पड़ेगी 45,000। BS4 मॉडल है, सी डिलक्स है, 2018 की, 18 की मॉडल है, और प्राइस क्या आ जाएगी? 45,000 जो कि काफ़ी अच्छी दाम, मतलब कम दाम में आप लोग बोल सकते हो, रहने वाली है ये गाड़ी, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद फिर से आता होंडा साइन है ना, ये 2016 की होंडा साइन है, इसकी प्राइस पड़ेगी 43,000। 43,000 में 2016 की होंडा साइन आप लोग को मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद फिर अपाची RTR, ये 2014 की अपाची है, 160 है, इस एक कंडीशन में, इसका भी फुल फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है, इसकी प्राइस पड़ेगी 48,000। 48,000 में आप लोग अपाची मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर कौन सा है? ये 2019 की प्लाटिना है, 5 साल का इंश्योरेंस पेड है। ये गाड़ी भी एकदम मिंट कंडीशन में, कम चला हुआ गाड़ी है, फुल फ्रेश है गाड़ी, इसकी प्राइस पड़ेगी 50,000। 50,000 मतलब प्लैटिना मिल रही है आप लोग देख सकते हो, जो कि जिसको माइलेज किंग का नाम से जाना जाता है, मतलब इतनी मतलब इसकी ज़्यादा माइलेज है गाड़ी की, तो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद ये कौन सा अपाची RTR? ये अपाची RTR 160 है, ये डबल डिस्क में है, ये 2017 की गाड़ी है, BS4 में, इसकी प्राइस पड़ेगी 60,000 में। 2000 कितने की मॉडल बोला सर? 17 का BS4 मॉडल, BS4 मॉडल 2017 के मॉडल है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद फिर से आते हैं अपाची RTR 160 पे। हाँ, ये भी 2016 की मॉडल है, इसका 58 में आ जाएगा, 2016 की मॉडल है, 58 तक आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी माइलेज बाइक को लेके, कि माइलेज सिर्फ एक प्रॉपर वीडियो लो माइलेज बाइक की, तो प्रदीप ऑटो पे जितना भी सारी माइलेज की बाइक थी मैंने सारा आप लोगों को दिखा दिया। और मैंने स्प्लेंडर दिखाया, होंडा साइन दिखाया, 2 CB साइन दिखाया, बाकी अपाचे उपाचे भी, वो सब का माइलेज काफ़ी अच्छे खासे रहने वाली है, तो वो सभी मैंने दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डील के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।